पहले और बाद में क्या हुआ? रवीश को यह याद रखना चाहिए कि बंगाल में टीएमसी के दौर में 150 हत्याएं और सैकड़ों हत्या के प्रयासों पे वो चुप रहा है। तब उसका राउडी राठौर वाला फॉरवर्ड रिवाइंड और पॉज करने वाला मस्तिष्क कार्य करना बंद कर। उक्त वीडियो में श्री अजीत भारती जी ने रविश कुमार को रोस्ट किया है, जो उसने असम में जो हिंसा हुआ है, अभी जो विदेशी घुसपैठिया उसको ज़मीन को कब्जा करके बैठे हुए थे और पुलिस पे उन्होंने हमला किया, जब पुलिस हटाने गई उनको तो वो रविश कुमार उसको बहुत गड़बड़ बता रहा है। उसमें दो मरे केवल तो, और रवीश कुमार बाकी का जो बंगाल में हिंसा उस पर कुछ नहीं बोला, बाकी जो कांग्रेस शासित राज्यों में होता है उस पर कुछ नहीं बोलता है, इसको खराब बताता है और बोलता है कि विदेशी घुसपैठियों को ज़मीन कब्जा करने की छूट देना चाहिए, उनको जहां मन करे वहां रहें, 6-6 बीघा ज़मीन दो उनको। अपने देश के नागरिकों को के पास आधा बीघा भी ज़मीन नहीं है और तुम विदेशी घुसपैठिया को 6 बीघा ज़मीन देने की बात करते हो? मतलब ये वामपंथी ब्रीड, इन वामपंथी ब्रीडों रवीश कुमार और साक्षी जोशी NDTV वालों को सही जवाब अजीत भारती ही देते हैं। अजीत भारती जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अजीत भारती जी के पास बहुत अच्छे अच्छे शब्द होते हैं इनको जवाब देने के लिए, वामपंथी ब्रीडों को। कृपया अजीत भारती जी का वीडियो देखा कीजिए। धन्यवाद।